मेडिटेशन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसकी बैटरी चार्ज होती है, उसके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी लेवल उसका बढ़ता है। तो आज के समय में हर व्यक्ति को जब काम पर जाता है तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है जहां चारों ओर इतनी नेगेटिविटी है, और जब उस वातावरण में जाता है तो वो वातावरण भी उसकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने लगते हैं और उसको खोखला करने लगते हैं, और नकारात्मकता का प्रभाव हमारे मनस्थिति पर बहुत पड़ जाता है। जो जीवन में आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो गुस्सा आता है, कहते वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। अब उसने झूठ क्यों बोला, क्यों बोला? डर, कोई ना कोई डर है, सत्यता को फेस करने की ताकत नहीं है इसीलिए उसने झूठ बोला। अब उसने झूठ बोला डर के कारण, डर मींस नेगेटिव ऊर्जा, उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है, फेस करने की शक्ति नहीं है इसीलिए उसने झूठ बोला, और उसकी नकारात्मकता का प्रभाव आपके ऊपर इतना पड़ जाता है कि आपको गुस्सा आ गया, यानी आप भी नेगेटिव एनर्जी के वश हो गए। गुस्सा पॉजिटिव एनर्जी तो है, तो नेगेटिव एनर्जी के वश हो गए, परवश। तो उसने डर के मारे झूठ बोला, आपने उस नेगेटिव वातावरण के परवश होकर के गुस्सा किया, तो क्या अंतर रहा दोनों में? कोई अंतर नहीं। माना सुबह फ्रेश होकर के आप गए लेकिन आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी क्षीण हो गई और आप तुरंत रिएक्शन में आ गए, गुस्से में आ गए, और सुबह जब व्यक्ति ने एक बार गुस्सा कर लिया तो दिन भर में क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर भी चिड़चिड़ापन चिड़चिड़ापन चिड़चिड़, फिर क्या कहते हैं, पता नहीं आज किसका मुंह देखा था, किसी का मुंह नहीं देखा था, लेकिन व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है, उसके दिल दिमाग को इस तरह से परवश कर लेता है कि वो भी उस नकारात्मक ऊर्जा के शिकार हो जाते हैं। कितनी आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है, और इसीलिए व्यक्ति दिन के अंत में इतना थका हुआ महसूस करता है कि जैसे उसके अंदर एनर्जी है ही नहीं, ताकत है ही नहीं। तो मेडिटेशन करने से क्या होगा, क्या सामने वाला झूठ नहीं बोलेगा? मेडिटेशन करने से, हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारी पॉजिटिव ऊर्जा जब विकसित होती है और पॉजिटिव एनर्जी लेवल जब हम बढ़ाते हैं अपना, और जब उस वातावरण में जाते भी है जहां सामने वाले को भले डर महसूस हो, सच्चाई का सामना करने के अंदर उसके अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा, वो चुप हो जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा। आपकी पॉजिटिविटी का इतना प्रभाव तो पड़ता ही है, अगर उसकी नेगेटिविटी का इतना प्रभाव पड़ता है तो क्या हमारी बैटरी चार्ज की हुए का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा? कि वो सच भी नहीं बोलेगा लेकिन झूठ भी नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, चुप रहेगा। और दो चार दिन के बाद वो आकर के एडमिट कर लेता है कि उस समय मैंने चुप रहा क्योंकि मुझे डर महसूस हो रहा था,
लेकिन सच्चाई ये है, बता देगा दो दिन के बाद आकर के। कहने का भावार्थ कि धीरे धीरे उस व्यक्ति की नकारात्मकता में भी परिवर्तन आता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो झूठ नहीं बोलता, तो आपको गुस्सा नहीं आता है। सिचुएशन इज इन योर कंट्रोल, परिस्थिति स्थिति आपके कंट्रोल में आने लगती। इसीलिए भी आज के युग के अंदर मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं, घटनाओं को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति तो अपने कंट्रोल में रख सकते हैं कि नहीं, वो तो अपने कंट्रोल में आने लगती है। और जब वो ही अपने कंट्रोल में है तो उस नकारात्मक वातावरण में भी स्वयं को कैसे हैंडल करना है ये कला आ जाती है। इसीलिए मेडिटेशन करने की आवश्यकता। लेकिन मेडिटेशन है क्या चीज? सिंपल शब्द में अगर मैं कहूं तो मेडिटेशन मींस अ टेलीपैथिक कनेक्शन। जैसे मान लो कि आप किसी व्यक्ति को याद करो और याद करने के बाद 5 मिनट के अंदर उस व्यक्ति का फोन आ जाता है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब भी आपको ही याद कर रहे थे। उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आपने कैसे फोन किया तो क्या कहते हैं? बस आपकी याद आ गई। नॉर्मल व्यक्ति यही कहता है कि दो व्यक्ति का मेंटल ट्यूनिंग हो गया, टेलीपैथिक कनेक्शन हो गया, इसीलिए हमने याद किया, उसने प्रत्युत्तर दिया। लेकिन ये हरेक के साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ हो जाता है। किसके साथ होता है? जिसके साथ हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच होती है उसी के साथ ये होता है और ये अनुभव करते हैं। व्यक्ति को याद करने से जब व्यक्ति उसका रिस्पॉन्स देता है तो खुशी होती है। सोचो आप ईश्वर को याद करो और उसका रिस्पॉन्स मिले तो कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी। मेडिटेशन इज अ टेलीपैथिक कनेक्शन विद द सुप्रीम। और इसीलिए ये पहला बेस बताया, आत्मभाव में स्थित होना। क्योंकि जब उस सोल कॉन्शियसनेस में हम अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में मन को ले जाते हैं, तो उस ऊर्जा से अपने आप को चार्ज करने लगते हैं। कई बार आपने सोचा भी होगा या प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया होगा, कोई बात आपको बहुत सता रही है अंदर ही अंदर, आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, और उसी समय सुबह सुबह आपने अपनी प्रार्थना में ईश्वर के सामने वो बात रख दी और दिन के अंत में वो चीज हो जाती थी जो आप चाहते थे, तो क्या कहते हैं? ये बात मैंने किसी से नहीं कही, सिर्फ अपनी प्रार्थना में ईश्वर के आगे रखा। और ऐसा लगता है भगवान हमारे मन की हर बात सुन रहा है, तभी ये रिस्पॉन्स दिया, और वो भी मैं चाहता था वैसे। और इस तरह से फ्रीक्वेंसी मैच होने लग जाए सुप्रीम के साथ तो कैसा लगेगा, कितना सुंदर अनुभव होगा। भावार्थ ये है, ईश्वर की फ्रीक्वेंसी ये लेवल पर चलती है और हमारी फ्रीक्वेंसी ये लेवल पर है। अब या तो उसको मेरे लेवल तक आना पड़े तब जाके फ्रीक्वेंसी ट्यून हो, या तो मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना ऊपर उठाना होगा तब जाके ट्यूनिंग हो। अब वो मेरे लेवल तक आए ये संभव नहीं,
इसीलिए मुझे ही अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करना होगा, ऊपर उठाना होगा, और फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को ऊपर उठाना होगा, और सोल कॉन्शियसनेस में स्टेबिलाइज करेंगे तब जाकर के परमात्मा के साथ का वो टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जिस तरह व्यक्ति को भी याद करते हैं तो ऐसे ही याद नहीं करते हैं, कुछ आधार है याद करने के। मनुष्य को भी जब याद करते हैं तो मुख्य रूप से चार आधार होते हैं कि जब हम इंसान को याद करते हैं, कौन से आधार पर याद करते हैं। सबसे पहला आधार है मनुष्य को याद करने का परिचय। जिसके साथ हमारा परिचय है उसी को याद करते हैं, परिचित को ही याद किया जाता है, बिना परिचय के याद नहीं होती है। दूसरा आधार है संबंध। जहां जिसके साथ थोड़ा बहुत संबंध है उस संबंध के आधार पर उसको याद करते हैं, संबंधियों को याद करते हैं। तीसरा आधार है स्नेह प्यार। जिसके साथ हमारा स्नेह है प्यार है उसको याद करते हैं, उन स्नेहियों को याद करते हैं। और चौथा आधार है प्राप्ति। जहां से कुछ मिलने वाला हो उसको याद किया जाता है। तो मनुष्य को याद करने के विशेष ये चार आधार है, और ये चार आधार पर चार प्रकार की यादें। जहां सिर्फ परिचय है वहां याद कैसी होगी। आज मान लो कि हमारे घर में कोई फंक्शन है और हमें हर परिचित व्यक्ति को इनवाइट करना है, तो क्या करेंगे। एक एक को याद करने की मेहनत है, मेहनत वाली याद है। लिस्ट बनाएंगे ताकि कोई भी छूट नहीं जाना चाहिए, रह नहीं जाना चाहिए। तो जहां सिर्फ परिचय है वहां याद भी मेहनत वाली है, लेकिन जहां संबंध है वहां याद कैसी है। आज मान लो मां का एक बच्चे के साथ संबंध है और बच्चा कहीं हॉस्टल में पढ़ रहा हो और वहां से खबर आ जाए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मां को क्या होगा, बच्चे की याद सताएगी। खाना बना रही होंगी, याद किसकी होगी, बच्चे की, वो क्या खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, दवाई लिया होगा, धूप में खेलता तो नहीं होगा, कितने विचार आ जाते हैं, है ना। कभी कभी तो बच्चे की याद इतनी सताती है कि रात को नींद भी उड़ जाती है। भले दूसरे दिन उस बच्चे का फोन आ जाए कि नहीं मम्मी अभी मैं ठीक हूं, तो भी मां क्या कहती है, उसको आवाज पता है तो क्या कहती है, आवाज ठीक नहीं लग रहा है। आखिर उसको होता है मैं जाकर देख करके आती हूं, तब जाके उसको शांति होती है। तो जहां संबंध है वहां याद भी कैसी है, सताने वाली याद है। ध्यान किसको कहते हैं, जिसकी याद में खो जाए समा जाए। तो जहां स्नेह है वहां याद भी कैसी है, समाने वाली याद है। कि जिस याद में हम खो जाए, और खो भी कैसे जाते, खुली आंख से, के पास में से गुजर गया व्यक्ति तो भी दिखाई नहीं दिया। शायद ईश्वर के साथ हमें इतना प्यार ही नहीं है, इसीलिए मन लगता नहीं है। क्योंकि ईश्वर के साथ अगर प्यार हो और मन अगर लग जाए, ध्यान लग गया, कहीं भी बैठे हैं, जरूरी नहीं मेरे सामने फोटो हो, मूर्ति हो, तभी मेरा ध्यान लगे, नहीं, कहीं भी बैठे होंगे,
एकांत के पलों में खो जाएंगे, पास में से कोई गुजर जाता है पता नहीं चलता, इसका नाम है ध्यान।